हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम बना रहे हैं कच्चे आम की लोंजी। ये मैंने आधा किलो आम लिए हैं, जिन्हें धो लिया है और अब हम इन्हें छील लेंगे। देखिए, सारी आमें हमने छील ली है, अब हम इन्हें कट करेंगे। ऐसे दो पार्ट में कट करके बीच में से इसकी गुठली को हम निकाल देंगे। गुठली अभी सॉफ्ट होती है, इसको आराम से निकल जाती है। नहीं, लौंजी इतनी टेस्टी लगती है, आप बिना सब्जी के भी इससे आराम से पेट भर के खाना खा सकते हैं। इस तरह से हम इसको बारीक बारीक कट करेंगे। जिससे बारीक इसलिए कट करेंगे कि जल्दी गल जाएगी, ये कम टाइम में बन जाएगी। देखिए, सारी कैरी हमने बारीक बारीक कट कर ली हैं। अब चलिए चलते हैं गैस के पास। हमने एक पैन लिया है, गैस ऑन कर दी है, पैन को गैस पे रख दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक बड़ा चम्मच ऑयल। जैसे गर्म होने पे हम इसमें, ये मैंने एक चम्मच सौंफ लिया है और काली लेंगे अच्छे से। देखिए, क्रैक होने की आवाज आ रही है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे। देखिए, आमी का कलर भी चेंज हो। कुछ मसाले ऐड करेंगे। मैंने लिया है एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और नमक। बिल्कुल ड्राई नहीं बनाना है, थोड़ा रसीला बनाना है इस। और अभी हम जब इसमें चीनी ऐड करेंगे तो वो भी चीनी भी पानी छोड़ेगी, इसलिए अभी पहले हम आमी को गला लेते हैं। मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड को कवर कर देते हैं हम। मेरे पीसेस गल गए हैं। अब हमें और ज़्यादा पानी नहीं सुखाना है और ना गलाना है। गैस को लो पर डालेंगे। ये शुगर डिसॉल्व होने तक हम इसको गैस पे
रखेंगे। टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाला भी इसमें डालेंगे। ऑलरेडी हम वाइट सॉल्ट डाल चुके हैं, इसका हमें ध्यान रखना है कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। गैस को ऑफ कर देंगे। हमारी लौंजी बन करके तैयार है।